हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्र क्लासेस। पिछला लेक्चर एक्चुअली थोड़ा अब्रप्टली बंद हो गया था, सो हम इस लेक्चर में वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हम बात करेंगे एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले आपको मैं प्रेशर समझा दूं कि प्रेशर नॉर्मल लेमैन्स टर्म में प्रेशर का मतलब क्या होता है। सपोज करो ये एक कॉलम ऑफ एयर है जिसको मैंने नाम दिया है ए, ये एक कॉलम ऑफ एयर है जिसको मैंने नाम दिया है बी, उसके ऊपर एक कॉलम ऑफ एयर है जिसका नाम मैंने दिया है सी। तो ए के ऊपर बी का प्रेशर भी लग रहा है और सी का प्रेशर भी लग रहा है, इन दोनों का लग रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर में यानी कि हाई प्रेशर में कौन होगा? ए होगा। बी के ऊपर सिर्फ सी का प्रेशर लगा हुआ है तो यहां पे मीडियम प्रेशर होगा, और सी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर कहलाएगा। आई होप आपको ये प्रेशर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें फील नहीं होता कि हमारे ऊपर जो एयर है, हमारे ऊपर जो एयर है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही है। हम नीचे खड़े हैं, हमारे ऊपर जो एयर का कॉलम है वो हम पे प्रेशर लगा रही है, ऐसा हमें फील नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो भी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर फोर्स आप कह सकते हो वो एयर के ऊपर लगा रही होती है। तो काउंटर जो फोर्स है, एक तरफ एयर हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है और एक तरफ हम एयर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो होता है ये बैलेंस हो जाता है और हमें फील नहीं हो पाता कि किसी तरीके का प्रेशर है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा। यही चीज यहां पे दी हुई है कि एयर जो है वो हमें प्रेस करता है सारे डायरेक्शन से और हमारी बॉडी भी काउंटर प्रेशर लगाती है जिससे कि हमें फील नहीं हो पाता कि एयर हमें प्रेशर दे रही है। ठीक है, एयर प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये वो प्रेशर है जो कि एयर के वेट के कारण अर्थ के सरफेस पे एग्जर्ट होता है। सो द एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो अगर ये अर्थ है उसके ऊपर एयर का जो प्रेशर लग रहा है उसको हम एयर प्रेशर कहेंगे सिंपल टर्म्स में। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एटमोस्फेयर के लेयर्स के ऊपर जाते हैं, अभी जो मैंने आपको लेयर बताया, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आप समझो ना, ये ए है, ए से अगर आप बी जाओगे तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, बी से आप सी जाओगे तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लेयर ऑफ गैसेस ही नहीं है जो प्रेशर लगा रही है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पे है? ए पे। और यहां पे अगर अर्थ सर्फेस है तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां होगा? ये नीचे वाले लेयर पे। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज दी हुई है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अलग अलग लेयर्स में वैसे वैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एयर प्रेशर कहां पे होगा? इज हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा नीचे होता है ना, तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आप पढ़ रहे होगे साथ साथ तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसकी तो जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं तो उसको छोड़ देती हूँ, टाइम वेस्ट होगा। एनीवेज, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो जिन जगहों पे, जिन एरियाज पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां की एयर जो है वो गर्म होगी, गर्म होके क्या मैंने बताया था, राइज करेगी। ठीक है, और अगर एयर राइज करेगी ऊपर जाएगी तो प्रेशर कैसा क्रिएट करेगी? ऑब्वियसली प्रेशर लो करेगी ना, यहां पे हाई प्रेशर अगर वो है तो ऊपर जब वो जाएगी तो लो प्रेशर हो जाएगा ना, क्योंकि गर्म हवा क्या हो रही है, हीट हो रही है, हीट होके राइज हो रही है और लो प्रेशर क्रिएट कर रही है। आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लो प्रेशर का मतलब क्या है? कि क्लाउडी स्काई होगा, बिल्कुल क्लाउड्स आपको स्काई में देखने को मिलेंगे, वेदर में वेटनेस होगी, ठीक है, बारिश वगैरह का माहौल रहेगा, तो इसको हम लो प्रेशर कहते हैं। यानी कि जब हवा गर्म होके राइज करती है, लो प्रेशर क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और वहां पे वेदर में आपको वेटनेस देखने को मिलेगी, यानी कि भीनी भीनी सी बारिश होती रहेगी। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए।
जिन एरियाज का लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम है, वहां की हवा कैसी होगी? ऑब्वियसली ठंडी होगी। ठंडी हवा हैवी होगी, हैवी होगी तो वो नीचे सिंक करेगी, और सिंक करेगी तो कैसा प्रेशर बनाएगी? हाई प्रेशर बनाएगी। हाई प्रेशर का मतलब है सनी स्काइज, सनी स्काइज, ठीक है, बिल्कुल साफ बादल आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, अगर सपोज करो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पढ़ाई का है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? आप ऐसी जगह जाना चाहोगे जहां पे आपको कम प्रेशर दिया जाए। तो एयर का भी वही काम होता है कि वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज जाने की कोशिश करता रहता है। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे विंड। विंड क्या होता है? जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में मूव करती है, उसको हम कहते हैं विंड। तो अगर यहां पे हाई प्रेशर क्रिएटेड है, तो अगर ये लो प्रेशर में जाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम कहेंगे विंड। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि विंड चल रही है? आपको दिखेगा तो नहीं ऑब्वियसली कि ये विंड है। आपको कैसे पता चलेगा? जो सूखे पत्ते होंगे वो उड़ने लगेंगे, है ना, ट्रीज जो है वो गिरने लगेगी, अपरूट हो जाएगी बहुत तेज अगर विंड है तो। कभी कभी विंड जो है वो बिल्कुल जेंटल होती है, आपको पता भी नहीं चलता, या फिर आपको पता भी चलता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है आपको, बिल्कुल आंधी तूफान नहीं आ रहा है, जेंटली ब्लो कर रहा है वो। तो उससे क्या होता है, जो स्मोक है और डस्ट है उसको भी वो ब्लो करके कहीं और पहुंचा देता है। कभी कभी विंड इतना ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है कि हम उसको उसके अगेंस्ट चल भी नहीं सकते हैं। अगर विंड का डायरेक्शन ये है और आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो, तो आपको बहुत परेशानी होगी। आपने बारिश वगैरह में फील किया होगा कि आप आपका जो छाता होगा वो बिल्कुल पलट जाता है विंड की वजह से। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको विंड के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे फील होता है कि बच्चों को ये काफी अच्छे से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बुक्स में तो दिया रहता है, प्लस मैंने देखा है कि बच्चों को ज्यादा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से आगे के क्लासेस में उनको काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाली हूँ। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो विंड्स को हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ध्यान से सुनना। विंड्स को हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं परमानेंट विंड। अब नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ये पता चल रहा है कि ये परमानेंटली ब्लो करती रहती है, हमेशा ये हमें देखने को मिलेगी। सीजनल विंड्स यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग ये विंड्स चलेगा, और लोकल विंड्स यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हमें ये विंड्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। परमानेंट, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये परमानेंट है, सीजनल यानी पर्टिकुलर सीजन में, और लोकल विंड्स किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि आपको गर्मियों के टाइम पे लू देखने को मिलता है, तो ये हर जगह आपको नहीं देखने को मिलता है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको लू देखने को मिलता है। आगे मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है ये सारी चीजें। अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं एक एक चीज पे, जिसको हम कहते हैं परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड देन लोकल विंड्स। अब ये आपका जो है, सपोज करो आपका अर्थ है, ये जहां पे मैंने मार्कर को प्लेस किया है, ठीक है। इसको मैं अलग टैब पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सपोज करो मैंने ग्लोब बनाया है, तो आपको पता होगा कि जो ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। ये जो लाइन है इक्वेटर पे, इसको हम कहते हैं इक्विटोरियल लो प्रेशर या फिर डोल ड्रम्स। ये याद रखना है और बार बार सुनना है इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट कर करके सुनो, बट सुनो और समझो, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है स्कूलों में। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने देखा है, जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको भी देखा है और बाकी बच्चों को भी देखा है, ये कॉन्सेप्ट काफी उनको टफ लगता है। तो ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं इक्विटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स। अब
इसको इक्विटोरियल लो प्रेशर क्यों कहते हैं? इक्विटोरियल तो क्योंकि ये इक्वेटर पे है। लो प्रेशर क्यों हो रहा है? लो प्रेशर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर फॉल करती है। तो अगर इक्वेटर के ऊपर सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही है तो इक्वेटर पे जो एयर होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। गर्म एयर हमेशा राइज करती है और राइज करती है तो वो लो प्रेशर बनाती है। यहां तक तो मैंने आपको बताया था ना, तो इक्विटोरियल लो प्रेशर इसीलिए कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? डोल ड्रम्स। यहां तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। ये जो 0 to 5 degree या 10 degree नॉर्थ एंड साउथ वाला जो एरिया है, इसको आप मान के चलो कि ये आपका इक्विटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स वाला एरिया है। फिर ये 10 डिग्री से लेकर के आपका 23.5 degree नॉर्थ और 23.5 degree साउथ वाला जो एरिया है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, यहां पे आपकी ट्रेड विंड्स चलती हैं। कौन सी विंड्स चलती हैं? ट्रेड विंड्स। इसको मैं पूरा रब कर देती हूं और आपको वापस से दिखाती हूं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है, ये इक्विटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स हो जाएगा और ये जीरो, ये आप 5 degree नॉर्थ मान लो, ये 5 degree साउथ मान लो। यहां से आपके 23.5 degree, 20, इसको थोड़ा सा सीधा बना देती हूं मैं, यहां से आपके 23.5 degree नॉर्थ और 23.5 degree साउथ पे आपका ट्रेड विंड्स चलता है। ट्रेड विंड्स कैसे? सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है आपका, ठीक है। तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट ये 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 और ये, और यहां पे कैसे? इस तरीके से, ये आपका ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन होता है। तो यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हवा कहां से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट से हवा आ रही है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। प्लीज प्लीज इसको आप नोटबुक में अच्छे से लिखो भी और साथ साथ समझो भी और बार बार इसको रिपीट करो। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रेड विंड्स, क्या कहेंगे इसको? इसको भी ट्रेड विंड्स कहेंगे और इसको भी ट्रेड विंड्स कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट से हवा आ रही है और साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही है और नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा जा रही है, ये ध्यान में रखना आप। तो वही इस चैप्टर में है, आप इसको देखो, ये नॉर्थ ईस्ट आपका ट्रेड विंड्स है और ये साउथ ईस्ट आपका ट्रेड विंड्स है, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। ये देखो, उसके बाद ठीक इसके ऊपर जो आपका ये वाला रीजन है 35 degree नॉर्थ से 60 degree नॉर्थ वाला, यहां पे वेस्टर्लीज चलती है। क्यों? क्योंकि ये विंड वेस्ट से आ रही है, ठीक है। और यहां पे भी आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेगा क्योंकि ये विंड भी जो है ये वेस्ट से आ रही है और जा कहां रही है? ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम वेस्टर्लीज कहेंगे और इसको भी हम वेस्टर्लीज कहेंगे। और पोल्स की तरफ, अब पोल्स की तरफ क्या है? हाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जो है सन की रेस पहुंच नहीं पाती, तो जो एयर होगा वो ठंडा होगा। ठंडा एयर जो होता है वो सिंक करता है और हाई प्रेशर बनाता है, ये तो आपको पता है। तो आपके पोल्स पे क्या होंगे? हाई प्रेशर्स होंगे, है ना। और हाई प्रेशर से जो ये ठंडी हवा आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये ईस्ट से आ रही है, ये ईस्ट से आ रही है, इसको पोलर ईस्टरलीज बोलेंगे। और यहां पे भी ईस्ट से आ रहा है तो पोलर ईस्टरलीज बोलेंगे। यहां पे वेस्टरलीज, यहां पे ईस्टरलीज और ये भी वेस्टरलीज, क्योंकि वेस्ट से ये हवा चल रहा है। हवा और उसका डायरेक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से समझने के साथ साथ याद भी होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना विंड का कॉन्सेप्ट आपको कभी लाइफ में समझ नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिपीट कर करके, इस डायग्राम को रिपीट कर करके बनाइए और उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाइफ में कभी ये चैप्टर समझ में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
तो अभी जो मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने ट्रेड विंड्स के बारे में बात की, वेस्टर्लीज के बारे में बात की और ईस्टर्लीज के बारे में बात की, ये वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, ये वाले ट्रेड विंड्स, ये सब परमानेंट विंड्स होते हैं, यानी कि ये कॉन्स्टेंटली पूरे साल चलते हैं, इनको परमानेंट विंड्स कहते हैं। सीजनल विंड्स पर्टिकुलर सीजन में चलेगा और इसका डायरेक्शन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारा मॉनसून। तो बारिश के सीजन में मॉनसून विंड्स चलती है और बारिश आता है इंडिया में, और उसी तरीके से सीजन्स के हिसाब से ये होती है। लोकल विंड क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जैसे कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ठीक है, लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से पढ़ाया है, आप प्लीज उनको जाकर के रिपीट करना। लू एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, जो कि नदन हेमिस्फेयर में हमें देखने, नदन प्लेन्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक बार ये साइक्लोन है जो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। फिर हम बात करेंगे मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या होता है, देखो, जब वाटर लैंड से या फिर अलग अलग वाटर बॉडी से इवापोरेट करके वाटर वेपर बनाता है, उसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, जब भी हवा में मॉइस्चर होगा, हवा में मॉइस्चर होगा उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो पहले मॉइस्चर क्या होता है, अगर लैंड से और वाटर बॉडी से जो आपका वाटर वेपर है वो बन जाता है, उसको हम मॉइस्चर कहते हैं, और हवा में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर हवा में वाटर वेपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, फुल ऑफ वाटर वेपर, तो हम उसको ह्यूमिड डे कहेंगे। तो जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं जहां पे वाटर बॉडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, जैसे आप केरला ले लो, आप गोवा ले लो, आप कोई भी ऐसी ऐसी जगह ले लो जहां पे वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, वहां पे ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होती है, यानी चिपचिपी गर्मी होती है जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है। मैं तो गई थी, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी वहां पे। ड्राई एयर इज फार बेटर एज कंपेयर टू ह्यूमिड एयर, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको एक तो डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स होती है। तो ह्यूमिडिटी तो मतलब मेरे बस की बाहर की चीज है। एनीवेज, तो ह्यूमिडिटी जो है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब मॉइस्चर में बिल्कुल, जब हवा में बिल्कुल चिपचिपापन होगा तो आप उसको कहोगे ह्यूमिडिटी है। ठीक है, जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होता जाता है, वैसे वैसे उसकी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है और वो और ज्यादा ह्यूमिड होता चला जाता है। ठीक है, तो ह्यूमिड डे में क्या होगा, कपड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे ड्राई होने में, एंड स्वेट फ्रॉम आर बॉडीज डज नॉट इवापोरेट इजिली। ठीक है, तो इससे हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं वापस से आपको बता रही हूं, आप ध्यान से सुनना। तो लैंड और वाटर बॉडीज से अगर वाटर इवापोरेट होता है उसको हम कहेंगे वाटर वेपर। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, मॉइस्चर। ठीक है, अगर हवा में जो मॉइस्चर है वो ज्यादा है तो हम उसको ह्यूमिडिटी कहेंगे। ठीक है, इस ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है कि जो कपड़े हैं वो सूखने में टाइम लगाते हैं, और दूसरी चीज, हमारे बॉडी से जो भी पसीना निकलता है वो सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हवा गर्म होती जाएगी, वैसे वैसे आप सोचो ना, हवा अगर गर्म होगी तो उसकी जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि गर्म हवा क्या होता है, एक्सपैंड करता है। अगर वो एक्सपैंड करेगा तो उसकी जगह बढ़ती जाएगी, जगह अगर बढ़ती जाएगी तो वो और ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है ना। तो और ज्यादा उसमें वाटर प्रेजेंट होगा और वो उसको और ज्यादा ह्यूमिड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब उसी तरीके से जब वाटर वेपर राइज करता है, ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होने के कारण वो ठंडा होगा। ठीक है, कंडेंस करेगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगा, जो कि रेन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, इसको प्रेसिपिटेशन भी हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब हमने ऑलरेडी बचपन में देखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की का कोई मतलब नहीं है। आप प्रेशर बेल्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स एक ऐसा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था।
तो ये प्रेसिपिटेशन के कारण रेन होता है, ग्राउंड वाटर जो है वो रेन के फॉर्म में आ जाता है, प्लांट्स उसको प्रिजर्व करती हैं खुद को ग्रो कराने के लिए, जो ट्रीज हैं हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ द लो लाइंग एरिया, तो यहाँ पे फ्लड्स आ जाता है और ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप एक बार फिर भी इसको देख लेना। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो तीन तरीके का रेनफॉल होता है, एक को हम कहते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरे को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरे को कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, एक को कन्वेंशनल, दूसरे को ओरोग्राफिक और तीसरे को साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ क्लास 7th में हो, जो अगर दूसरे क्लास के बच्चे इस चीज को देख रहे हैं तो मैं आगे के लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको बताऊंगी और मैंने कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी बता भी रखा है, तो आप पुराने लेक्चर्स को एक बार रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो रेनफॉल है वो हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से फ्रेश वाटर अर्थ सर्फेस पे आता है। अगर रेनफॉल कम होगा तो वाटर की स्कैर्सिटी होगी, यानी वाटर की कमी होगी, जिससे सूखा पड़ सकता है और उसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमें खाना नहीं मिलता है मिलेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, उसके बाद फिर अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड्स आ जाएंगे, फ्लड्स आ जाएगा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा तो अगेन सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं मिलेगा और अब मर जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी करेंगे, जो भी नेचुरल कैलामिटी आएगी उसमें मरेंगे लास्ट में ह्यूमंस ही, एनिमल्स ही, और उससे लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, किसी भी टाइप का फीडबैक हो, अच्छा बुरा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें और काम आगे करने का मोटिवेशन मिलता है, तो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर सजेस्ट करना। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आप बहुत सारे सोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जहां पे आप क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कराने में ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चैप्टर अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन आंसर्स करना कोई बहुत ज्यादा टफ चीज होती नहीं है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज है, तो हमें समझने पर ध्यान देना है, हमें क्लर्क नहीं बनना लाइफ में, हमें लिखने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें समझने पर देना है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है, प्लीज क्वेश्चन इसके करके आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको चेक करके आपको रिवर्ट बैक करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय नाउ।